तो आज मैं बनाऊंगी पालक आलू पराठा। तो उसके लिए मैंने ले लिया है पालक और 3 आलू। पालक को अच्छे से धो लिया है मैंने, क्योंकि इसमें बहुत धूल मिट्टी रहती है। तो अब हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे और आलू को उबाल लेंगे। ये देखिए, पालक को अब अच्छे से काट लेंगे। पालक को बारीक काटना है बिल्कुल। ये देखिए, मैंने पालक को अच्छे बारीक काट लिया है। और ये 3 हरी मिर्ची, इसको भी बारीक काट लिया है। और ये जो आलू है, मैंने उबाल लिए। अब इसको अच्छे से मैश कर देंगे। अच्छे से मैश करना है ताकि पराठे में कोई दिक्कत नहीं हो। बेसन को भून लेंगे और अलग रख लेंगे। ये मैंने कढ़ाई में रख दिया तेल, और ये तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे अजवाइन और जीरा। और स्वादानुसार नमक। अब हम इसमें जो हमने बेसन भुना था वो डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से। ये हमारा आलू पालक मसाला रेडी हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। ये पराठे बनाने के लिए मैंने आटा ले लिया है। इसमें नमक डालेंगे। नमक अच्छा डालना है अपने को। नमक अच्छे से डालना है ताकि टेस्ट अच्छे से आए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बने, तो आप इसमें, ये देखिए आटा रेडी हो गया है। तो मैं पराठा बनाऊंगी। तो अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। इस पे तेल लगाएंगे। तवे पे भी तेल लगा देंगे। को हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, नहीं तो ये स्टफिंग बाहर आ जाएगी और पराठा खराब हो जाएगा अपना।
देखिए ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। और ये दही आप चाहो तो इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है। बहुत टेस्ट लग रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है आपका पराठा भी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।